अरे कोई चीज खड़ा कर दो। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्षों बाद नहीं, ये पिछले कुछ ही महीने जब बरसात प्रारंभ हुआ था उसी में यहाँ की महाराजगंज की सड़क टूट गई थी और उसको हमने बहुत पहले ही स्वीकृत करा लिया था। लेकिन बरसात में चूँकि कहीं काम नहीं हो पाता है और यहाँ भी वही हुआ कि बरसात की वजह से सड़क में थोड़ा सा विलम्ब हुआ और जैसे ही बरसात ख़त्म हुआ और इस राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पे काम प्रारंभ हो रहा है। और केवल यही सड़क नहीं, पहले की सरकारों को हम इस वजह से जानते थे कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सरकार है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज हम अच्छी सड़कें देख रहे हैं अन्य क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, और साथ ही सड़कों पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में हम और बेहतर कार्य देखेंगे हर क्षेत्र में। देखिए, ये 51 करोड़ की लागत से ये बन रहा है और जहाँ तक सड़क ख़राब है वहाँ तक की स्वीकृति है 700 मीटर की, और बाकी जो सड़कें ख़राब है वो सड़कों को भी पिच करने का काम किया जाएगा। NHAI द्वारा यह कार्य हो रहा है। एक महीने के अंदर पूरी रोड आपको व्यवस्थित नज़र आएगी और इसका लाभ क्षेत्र के लोग जनता ले सकेंगे। अभी जखनिया में माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे और बहुत सी सड़कों को उन्होंने देखा, धरातल पे देखा, भौतिक निरीक्षण किया और तुरंत उन्होंने भाजपा के उप मुख्यमंत्री ने यह आदेशित किया कि यह सड़कें तुरंत बनेंगी, तुरंत सही होंगी। और जो सड़कें खराब बनी थी उस पर भी हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ये सिर्फ जिसने बनवाया नहीं है बल्कि जिसने इस कार्य को करवाया भी है उन दोनों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आज यही कारण है कि जहां भी सड़कें बन रही हैं पूरी गुणवत्ता के साथ बन रही हैं। और माननीय मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री जी अभी जखनिया में आए हुए थे कल, और कल पुनः जंगीपुर विधानसभा में आएंगे और वहाँ की सड़कें भी जो अभी शेष रह गई हैं जहाँ वहाँ की सड़कों को भी स्वीकृति मिल गई है और वहाँ की सड़कें भी आपको बेहतर मिलेंगी आने वाले दिनों में।